आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन संग के संग मीनल तिवारी के जय समाचार। केंद्रीय राज्य संसदीय और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आज ले दो दिवसीय दौरा में जगदलपुर पहुंच के आकांक्षी जिला बस्तर में चलत विकास काम के समीक्षा करी मुख्यमंत्री है दुर्ग जिला में होलसेल कॉरिडोर बनाए के करीन घोषणा और राजनांदगांव जिला में पाछ रथिया हुए रद्दा दुर्घटना में एक एक परिवार के पांच झिन के मौत हो गई। अब समाचार विस्तार केंद्रीय राज्य संसदीय और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आज ले दो दिवसीय दौरा में जगदलपुर पहुंची पाछू पत्रकार मन ले गोट बात केंद्रीय राज्य मंत्री हकी कि केंद्र सरकार कोतीले घोषित आकांक्षी जिला में बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के दस जिला शामिल हवाये उमन किन कि देश के कुछ एक जिला में मा तय मापदंड के अनुपात में विकास नहीं हो पाए है ऐसा जिला के चिन्हारी करके विशेष कार्य योजना तैयार करके विकास के कामला आगू बढ़ाये जाते केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मेघवाल आज आकांक्षी जिला बस्तर में चलत विकास काम के समीक्षा करें ये बीरमा उमन आकांक्षी जिला के विकासभर शिक्षा स्वास्थ्य पोषण रोजगार और कतकोन क्षेत्र पर जरूरत के मुताबिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये संगे संग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना पशुपालन और मछली पालन ला बढ़ावा देके जरूरत बताएं। बैठक में बस्तर कलेक्टर है जिला में चलाये जाते विकास काम के जानकारी दिन उमन के जिला ला पाछू फरवरी महीना में नीति आयोग को तीले जारी आकांक्षी जिला के सूची में उन्नीसवां और कृषि के क्षेत्र में पहली स्थान देंगे एक पहली श्री मेघवाल के जगदलपुर विमानतल पहुंचे मां पूर्व सांसद दिनेश कश्यप पूर्व विधायक संतोष बापना कलेक्टर रजत बंसल समेत कत्कोन पदाधिकारी मनहा स्वागत करी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन है कि दुर्ग में रईपुर असन होलसेल कॉरिडोर बनीं उमरनाथ दुर्ग में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के नवा कार्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उद्योगपति मन के मांग में मा ये घोषणा करी मुख्यमंत्री है दुर्ग कलेक्टर ला एक खरबर भूईया के चिन्हारी करे के निर्देश दिन दिये उमन कही कि जब उद्योग के बात आते तो रोजगार के स्थिति एक हर मांग होते फिर कई गांव स्थानीय स्तर में विरोध घलो होते उमन के लोगन ने कही कि स्थानीय स्तर में रोजगार हो ही तब को पलायन की जरूरत नहीं पड़े मुख्यमंत्री है आज दुर्ग माँ अमृत मिशन योजना के फेस वन के शुभारंभ घलो करीन एक करोड़ रूपये के ये योजना ले बच बत्तीस हजार परिवार ला शुद्ध पिए के पानी के आपूर्ति करे जा सकी एक तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मरम्मत पाइपलाइन के बढ़वार और पांच छिन टंकी गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री है, है आज दुर्गमा कामकाजी माइलोगनम के सुविधा पर करीबन तीन करोड़ पचपन लाख रुपया के लागत ले नवा बने हॉस्टल के लोकार्पण करें यह हॉस्टल मे सौ झीन काम करे या के रहे के सुविधा मिली छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम कोतिले पीपीटी पीएटी समेत आने आने प्रवेश परीक्षा पर संभावित तारीख के घोषणा करेंगे है। ये परीक्षा में यहां के स्थानीय परीक्षार्थी मन ले शुल्क नहीं ले जा व्यापक कोतिले जारी तारीख के मुताबिक पीपीटी और प्री एमसीए परीक्षा 29 मई पीएटी पीवीपीटी 5 जून के प्रस्तावित हव उन्हें प्री बीएड और प्री डीएलएड के परीक्षा बारह जून के हुई। इसने प्री बीएबीएड -BA और प्री बीएससी बीएड और बीएससी नर्सिंग बार प्रवेश परीक्षा 19 जून के ले जाही एकर संग एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 3 जुलाई के होना प्रस्तावित होवेह बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के तीसर दीक्षांत समारोह काली हुई समारोह में एक सौ बैंसठ झीन पढ़ैया लईका स्वर्ण पदक देगी. उन्हें उच्च शिक्षा के विकास और प्रबंधन में योगदान देखातिर आठ जिन विद्वान मनला विद्या वाचस्पति के मानद उपाधि देगी दीक्षांत समारोह में वर्चुअल रूप ले बोलते उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यकीन कि की देश के भविष्य युवा मन के सपना और आशा ले गढ़े जाही ओन कहन की हम अपन जुन्ना ज्ञान और परम्परा ला गवान जाथन उन्हें जुन्ना प्रतिष्ठा ला फेर ले पाये पर हमलला अपन शिक्षण संस्थान मल विश्व स्तरीय बनाये बर पढ़ी श्री नायडू कहीन कि हमलला अपन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम ला आधुनिक समय के मुताबिक बनाना चाह समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके आह्वान करी कि विद्यार्थी अपन जीवन के लक्ष्य तय करे और एला पाए बर सरलग मेहनत करे एक दिन सफलता जरूर मिलही खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 27 अप्रैल के सोलवा दीक्षांत समारोह के आयोजन करे जाही संगे संग, संग सत्ताईस से तीस अप्रैल तक खैरागढ़ महोत्सव घलो मनाये जाही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रेपुर ले सुना था अब आगू बढ़ बो बातें समाचार को थी राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रखेंगे तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव कालीसिरागे सिरागे समापन कार्यक्रम में बोलत राज्यपाल अनुसुईया उइकेहा आदिवासी युवा मन ने आह्वान करी कि वह मन जागरूक होकर ये कार्यक्रम के फायदा लेवाये उमन की, की ये महोत्सव मा शोध परिचर्चा के बेरा जौन भी गोट बात आदिवासी मन के सुधार पर आए हो ही उन्हें लागू करे पर राष्ट्रीय स्तर में प्रयास हो सुश्री उइके है किन की, की आदिवासी साहित्य में उखर रहन सहनला देख के और बने असन जाने समझे जा सके थे उन्हें केन्द्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंघा जनजाति कला लोक संस्कृति ला समृद्ध करे के जरूरत बताई आज विश्व पृथ्वी दिवस हरा पर्यावरण संरक्षण ला बढ़ावा दे बर हर बच्चर 22 अप्रैल के ये दिवस मनाया जाते ऐसो के विषय हर है अपने ग्रह में निवेश करना उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है लोगों ने पर्यावरण ला हुए नुकसान के भरपाई करे बर ठोस प्रयास करे के बात कही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कही कि पृथ्वी दिवस धरती पर अपन आभार जताये के मौका है उमन पृथ्वी के देखभाल पर अपन प्रतिबद्धता दोहरे गिरफ्तार राजनांदगांव जिला के सीमा ने लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस एक बिहाव कार्यक्रम में संग्रह एक महिला समेत चार जिन इनामी माओवादी लगा गिरफ्तार करे है गढ़चिरौली के नक्सल डीआईजी संदीप पाटिल है बताई कि पुलिस लग खबर मिले रही इसकी कुछ एक माओवादी नेलगोण्डा के भामरागढ़ क्षेत्र में एकठिन बिहाव कार्यक्रम में शामिल हो रही एक पुलिस वो जगह की घेराबंदी करके ये माओवादी मन मा गिरफ्तार करे है पकड़ेगी माओवादी मन में दो एरिया कमेटी सदस्य घरों शामिल है जिखर ऊपर दो दो लाख रूपये के इनाम घोषित रही यदि सुकमा जिला के एल्मा गुंडा क्षेत्र में को, कोबरा बटालियन के जवान मनह आईईडी बरामद करी है जनला मौकजमा निष्क्रिय कर देगी रथ जिला में जिलाछू रथिया हुए रद्दा दुर्घटना में एक ही परिवार के पांच झिन लोगन के मौत हो गई खबर के मुताबिक खैरागढ़ के रहवैया ये परिवार के पांच झीन सदस्य पाछ रथिया चौपहिया गाड़ी में बैठ के बालोद ले खैरागढ़ लौटत रही ई बेरा रथिया के करीबन दो बजे सिंगारपुर के गणेश मंदिर तिर रुखर गाड़ी है अंते तंते होके पुलिया ले टकरा गए और गाड़ी में आगे लग गई एमा बैठे परिवार के जम्मो पांच झीन सदस्य के जलेली मौत हो गयी मेला जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ बमनीडी और शक्तिमा विकासखंड स्तर में मा आयुष्मान स्वास्थ्य मेला लगाये गये है ये बेरामा बढ़ संख्या में लोगन के स्वास्थ्य के जांच करके उमल मुफ्त में दवाई बांटेगी स्वास्थ्य मेला में मा आयुष्मान कार्ड और डिजिटल कार्ड घलो बनाये गये है एक पहले जिला के अकलतरा और नवागढ़ खंड में घलो आयुष्मान स्वास्थ्य मेला लगाई गई रही अब अब पे मौसम के हाल अबैया चौबीस घंटा में प्रदेश के एक दो जगह में छुटपुट वर्षा या फिर गरज चमक संग छीटा बौछार होने की संभावना हव मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र ले हवा आवत है जेखर प्रभाव ले छीटा बौछार और हवा गरेड़ चले के आसार हा वहीं प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काली ले बढ़वार हो सका थे यही बीच काली रथिया रायपुर राजनांदगांव समेत प्रदेश के कुछ एक जिला में हवा गरेर और गरज चमक संग हुई बलरामपुर कलेक्टर कुंदन कुमार कोतिरे जांच के बेरा स्कूल और आश्रम में अव्यवस्था पाए जाए मा, मा दो ही सहायक शिक्षक लाभ निलंबित कर देगा जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग मा 25 अप्रैल के प्लेसमेंट कैंप रखे आखिर मा समाचार एक गांव जा केंद्रीय राज्य संसदीय और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आज दो दिवसीय दौरा में जगदलपुर पहुंच के आकांक्षी जिला बस्तर में चलत विकास काम के समीक्षा करी मुख्यमंत्री है दुर्ग जिला में होलसेल कॉरिडोर बनाए के करीन घोषणा और राजनांदगांव जिला में पांचों रथिया हुए रद्दा दुर्घटना में एक परिवार के पांच हिन के मौत हो गई